नमस्कार, वेलकम टू डिफेंस फंडामेंटल्स। तो आज एक स्पेशल वीडियो करेंगे जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के बारे में। वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर थिएटर कमांड्स की, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करें तो ये एक यूनिफाइड कमांड है जिसके अंडर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सारे रिसोर्सेज को एक पूल में रखा जाएगा डिपेंडिंग ऑन थ्रेट परसेप्शन। ये थिएटर कमांड्स या तो ज्योग्राफिकल बेस्ड होंगे या तो होंगे थीमेटिक बेस्ड। ज्योग्राफिकल में एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ बॉर्डर्स को देखते हुए बनाई जाएगी, जैसे चाइना के साथ बॉर्डर्स के लिए अलग थिएटर कमांड एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स के लिए अलग थिएटर कमांड डिपेंडिंग अपॉन थ्रेट परसेप्शन। और थीमेटिक की अगर बात करें, थीमेटिक बेस्ड थिएटर कमांड होगी, जैसे एक कमांड फॉर ऑल मैरिटाइम थ्रेट्स। थिएटर कमांड्स की अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना जैसे सुपर पावर्स ने भी अपने यहाँ थिएटर कमांड्स बनाई हैं और इंडिया के पास भी अब जल्दी ही ऑपरेशनल थिएटर कमांड्स होगी। अब अगर प्रेजेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो तीनों फोर्सेस के पास टोटल 17 कमांड्स हैं, जिसमें आर्मी के पास 7 कमांड्स, एयरफोर्स के पास 7 कमांड्स और नेवी के पास हैं 3 कमांड्स। और अभी के लिए 2 ट्राई सर्विस कमांड भी इंडिया के पास ऑपरेशनल है, जिसमें से एक है अंडमान निकोबार कमांड और एक है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के न्यूक्लियर एसेट्स के साथ डील करने के लिए। थिएटर कमांड्स क्रिएट करने का आइडिया कोई नया नहीं है। थिएटर कमांड्स की रिकमेंडेशंस कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद वेरियस लेवल पे मिलती रही है। और फाइनली जब जनरल बिपिन रावत इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे साल 2020 में, तो उनके नेक्स्ट 3 साल के टेन्योर में उन्हें थिएटर कमांड्स को रेज करने का काम दिया गया था। और तब थिएटर कमांड्स का आइडिया फाइनली डिजाइन टेबल पे लाया गया था और जनरल बिपिन रावत सर ने तीनों फोर्सेस के वाइस चीफ्स के साथ स्टडीज को कमीशन किया और आइडियाज पे काम होना स्टार्ट हुआ कि थिएटर कमांड्स का डिजाइन क्या होगा। लेकिन उसके बाद COVID-19 पेंडेमिक की वजह से डिलेज हुए और फिर जनरल बिपिन रावत सर की चॉपर क्रैश में ट्रेजिक डेथ के बाद थिएटर कमांड्स पे काम बहुत स्लो हो गया था। बात करें अगर थिएटर कमांड्स की, तो पहली थिएटर कमांड जो सजेस्ट की गई थी वो थी एयर डिफेंस कमांड, जो कि 2021 तक ऑपरेशनल होने के चांसेस थे, लेकिन डिलेज की वजह से अभी तक एक भी थिएटर कमांड ऑपरेशनल नहीं हो सकी है। पहले CDS जनरल बिपिन रावत सर की डेथ के 9 मंथ्स के बाद नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपॉइंट किया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सर को CDS के पद पे अपॉइंट किया गया है। और अब आने वाले कुछ मंथ्स में हम थिएटर कमांड्स को ऑपरेशनल होता हुआ देखेंगे। अब बात करते हैं प्रपोजल की जो थिएटर कमांड्स को बनाने के लिए डिस्कशन में थे। तो इसके तहत 4 से 5 ट्राई सर्विस थिएटर कमांड्स को बनाने की डिस्कशन चल रही थी, जो कि एक 3-स्टार ऑफिसर द्वारा हेड की जाएगी और ये 3-स्टार ऑफिसर रिपोर्ट करेंगे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा हेड की जाएगी, जो कि इस कमेटी के परमानेंट चेयरमैन भी होंगे। अब इससे एक मेजर चेंज आएगा। अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो करंटली सर्विस चीफ्स के पास कंप्लीट ऑपरेशनल कंट्रोल रहता है अपनी रिस्पेक्टिव फोर्सेस पे, लेकिन थिएटर कमांड्स आने के बाद पावर्स चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पास मूव हो जाएंगी, जिसमें के तीनों फोर्सेस के चीफ्स होंगे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। और ऑपरेशनल कंट्रोल जो होगा रिगार्डलेस ऑफ द फोर्सेस, वो पर्टिकुलर थिएटर कमांड के कमांडर के पास होगा, जो के 3-स्टार रैंक ऑफिसर होंगे। अब अगर बात करें अलग अलग थिएटर कमांड्स की जो आने वाले टाइम पे बनाई जाएंगी, तो इसमें होगी एयर डिफेंस कमांड, जिसके पास मैंडेट होगा पूरी कंट्री के एयर डिफेंस का और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे एनिमी एयर थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए। इसमें दूसरी थिएटर कमांड होगी मैरिटाइम थिएटर कमांड, जो कि कंट्री के सारे मैरिटाइम सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करेगी और ईस्टर्न सी बोर्ड पे और वेस्टर्न सी बोर्ड पे सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। इंडियन ओशन रीजन से थ्रेट से निपटने के लिए ये कमांड काम करेगी। इसमें एयर स्ट्राइक एसेट्स भी होंगे और आर्मी के एम्फीबियन फोर्सेस भी इंक्लूड होगी। इसके अलावा 2 या 3 लैंड बेस्ड कमांड्स भी बनाई जा सकती हैं। अगर 2 कमांड्स होगी तो एक कमांड चाइना के साथ बॉर्डर के साथ हो सकती है और एक कमांड पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के साथ हो सकती है। लेकिन एक प्रपोजल इससे अलग था कि एक कमांड अलग से बनाई जाए, जो कि स्पेशली जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूटी में ऑपरेट करेगी
पाकिस्तान एंड चाइना बॉर्डर्स के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्पेशल सिक्योरिटी चैलेंजेस रहते हैं। ये तो थे ऑपरेशनल कमांड्स जो कि डायरेक्टली वॉर सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनके अलावा ट्राई सर्विस फंक्शनल कमांड्स भी बनाए जाएंगे, जैसे लॉजिस्टिक कमांड जिसमें के सारे सर्विसेज के लॉजिस्टिक एक पर्सन के अंडर होंगे, और एक होगी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्राइन कमांड ताकि फोर्सेस एक कॉमन डॉक्ट्राइन के अंडर काम कर सके और एक बेसिक कॉमन ट्रेनिंग हो सके तीनों आर्म फोर्सेस की। इसी के साथ अब जल्दी ही हम थिएटर कमांड्स को ऑपरेशनल होता हुआ देखेंगे, और इनके साथ ही रेडी हो रहे हैं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप फॉर्मेशंस जो कि हमेशा बॉर्डर के नज़दीक रहेंगे और बैटल रेडी रहेंगे। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे बैटल ग्रुप्स क्या हैं और कैसे ये ऑपरेट करते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें डिफेंस फंडामेंटल्स चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।